बेतौर आलू आप बनाइए हमारे ट्रिक से, बस 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। सबको जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सबको जय माता दी। आज मैं लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जो 5 मिनट में बन करके रेडी हो जाएगा। और हर रोज आप हर तरीके से आलू बनाते हैं, पर मेरे तरीके से, मेरे ट्रिक से एक बार आलू को फ्राई करके देख लीजिए इस व्रत में, कि आप बार बार जो है इसको बनाएंगे, पूरे नवरात्र भर इस आलू को आप बना के खाएंगे, इतना टेस्टी लगता है और बहुत कम समय में। तो बिना देर के हुए चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है थोड़े मूंगफली, आपके पास जितने भी मूंगफली हो, 250 आधा किलो, आप जितने लोग का बनाना है उस हिसाब से, उस क्वांटिटी से आप बनाइए। और उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं और हरे मिर्च ले लिए हैं, जीरे, नमक मैं नहीं खाती हूँ इसलिए नमक मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, और आप लोग अगर खाते हो नमक तो नमक ऐड कर सकते हैं। आलू को मैंने बढ़िया से उबाल करके छील लिया है, इस तरह से आप आलू को उबाल करके छील लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा घी डाल दिया है और इसमें हमें जो है ये मूंगफली के दाने फ्राई कर लेना है, ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। घी मैंने ज्यादा डाला है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मूंगफली ज्यादा घी सोखेगा नहीं है, बहुत जल्दी ये पक के रेडी हो जाता है हमारा, ये जो कि इस पे है बिल्कुल बच जाएगा। तो घी हम जो है आलू फ्राई में ऐड कर लेंगे। मूंगफली पक चुके हैं ब्राउन, इस तरह से हम पका लेंगे। कढ़ाई में जो ऑयल बचे थे, सॉरी ये जो घी थोड़े बचे थे, उसी में हमें फ्राई करना है। अब डालेंगे इसमें जीरा, टमाटर, हरी मिर्च, आप थोड़ी देर इसको पकाएंगे। टमाटर हमारा बिल्कुल साफ हो गया है, अब ऐड कर देंगे इसमें उबले आलू। अब इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ मूंगफली। अब इसमें हम ऐड कर देंगे खड़े दाल, हरे हरे मिर्च, आप नमक खाते हो नमक ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। इसको व्रत में बनाइए, थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, आज थोड़ा सा मेरा चाय वाला बर्तन खाली नहीं था तो मैं इसी बर्तन में बना रही हूँ, क्योंकि व्रत में भी हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया व्रत वाली आलू बनी है। इस तरह से बनाओ और मिनटों में बनता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हरे मिर्ची डाल देने का अलग ही वो है, जिसको ज्यादा स्पाइसी खाना है इस तरह से बना के खाओ, बस 5 मिनट में। बेतौर आलू आप बनाइए हमारे ट्रिक से, बस 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। सबको जय माता दी।